सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़, आज की इस मूवी में हम लोग जवान मूवी का जो पोस्टर है जिसमें शाहरुख खान है, तो वो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो आउटलाइन ड्रॉ करेंगे वो मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, जो कि 0.5 mm की है। एंड गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ जिसके हेल्प से हम लोग ग्रिड ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रिड होगी वो 2 × 2 cm की होने वाली है, मतलब हमारा एक ग्रिड का साइज जो होगा वो 2 cm का होगा। तो हर एक 2 cm के गैप पे हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं जहाँ से हमें ग्रिड ड्रॉ करना है। एंड हमारी जो पेपर साइज़ है वो A4 साइज़ है। एंड यहाँ पे टोटल ओरिजोनटल पे हम लोग 14 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड वर्टिकल पे हम लोग 10 लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइज, हमारी ग्रिड बनकर तैयार हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्टिकल पे हमने 10 लाइंस ड्रॉ कराए एंड हॉरिजॉन्टल पे हमने 14 लाइंस ड्रॉ कराए। तो गाइज़, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिख रहा होगा जो नंबर 1 के पहले है, तो वो जो है A4 साइज़ के शीट पे अगर आप 2 सेंटीमीटर के लाइंस ड्रॉ करते हो तो थोड़ा सा आपका जो है गैप रह जाएगा, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो फिलहाल हमारी जो ग्रिड है वो तैयार हो चुकी है, तो अब जल्दी से हम लोग आउटलाइन की ओर आएंगे। तो गाइज़, मैं यहाँ पर जो ग्रिड ऐप यूज़ कर रहा हूँ यही सेम ग्रिड ऐप आपको भी यूज़ करना है। एंड इसे कैसे डाउनलोड करना है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग से आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप आउटलाइन को इजीली देख सकते हो। तो फिलहाल जो है हमारी जो रेफरेंस पीक है वो उसकी क्वालिटी इतनी सही नहीं है, तो यहाँ पे आउटलाइन में इतनी क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको नॉर्मली रहने देंगे एंड आउटलाइन को ड्रॉ करना प्रोसीड करेंगे। बट इसका क्या यूज़ है मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो वाली वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फिलहाल जल्दी से हम लोग आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर ग्रिड को सिलेक्ट करना होगा एंड उसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे मैं 3:3 वाला ग्रिड को पकड़ता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्रिड के अंदर मेरे को जितना डिटेल देखने को मिल रहा है, तो वो डिटेलिंग मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन हम लोग नेक्स्ट ग्रिड की ओर प्रोसीड करेंगे। एंड इसी तरह जो है आपको बिल्कुल अच्छे से रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है एंड ग्रिड बाई ग्रिड आपको ड्रॉ करते जाना है। एंड बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे अगर आप थोड़ा जल्दबाजी दिखाते हो तो यहाँ पे आपकी ग्रिड जो है वो रेफरेंस फ़ोटो से हो सकता है मैच ना करें, तो इसलिए आपको बिल्कुल टाइम लेकर बिल्कुल धीरे धीरे ड्रॉ करना है एंड अच्छे से आप रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है। एंड जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आपको ग्रिड मेथड पर कहीं ध्यान दो या ना दो, लेकिन फेस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो गाइज़, आप जब भी ग्रिड की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो या फिर लुमिस मेथड की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा फेस पर ध्यान दें एंड बाकी का जो बॉडी पार्ट्स है या फिर क्लोथ्स हो गई, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो, खुद से कुछ ऐड कर सकते हो, बट आप फेस पर ऐड नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि अगर आप खुद से फेस को ड्रॉ करना या फिर ऐड करना चाहते हो, तो हो सकता है आपका जो आउटलाइन है वो रेफरेंस पिक से मैच ना करे। तो इसलिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए पूरी एक्यूरेसी के साथ जो है रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। एंड गाइज, अगर आपको सेम रेफरेंस पिक ड्रॉ करनी है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड ड्रॉ कर सकते हो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर आप टैग भी कर सकते हो सकता है मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपकी जो ड्रॉइंग है उसे रिव्यू करूं। तो गाइज़, यहाँ पर फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पे शाहरुख खान का फेस से ज़्यादा मेरे को जो पट्टी लगी हुई है इस पर, तो वो ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट था, तो फिर भी मैंने जो है ड्रॉ करने का कोशिश करा है। एंड गाइज़, आप मुझे सजेस्ट करना कि मेरे को इसका कलर आर्ट वर्क लाना चाहिए या फिर ग्रेफाइट वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे को जो है लग रहा है मेरे को कलर में प्रोसीड करना चाहिए, फिर भी मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे को ये ग्रेफाइट वर्क करना चाहिए या कलर वर्क करना चाहिए, और अगर ज़्यादा वोट्स जो है वो कलर पे आएंगे तो मैं कलर वर्क लेकर आऊँगा, कलर वर्क ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। तो आप ज़रूर कमेंट पे बताना कि आपको जो है ये इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो कलर में चाहिए या ग्रेफाइट वर्क में चाहिए। सो गाइज़, लगभग यहाँ पर फेस की जो प्रोपोर्शन है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड यहाँ पे आप जो है आईज़ एंड नोज़ लिप्स को ड्रॉ करना है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे जो रेफरेंस फोटो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है
एंड ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो हो सकता है आपकी रेफरेंस पिक जो है वो मैच ना करे आपके आउटलाइन से, या फिर आप जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो भी जाए तो आप जब शेडिंग करोगे या फिर कलर करोगे तो उस टाइम आप अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हो, जो कि मैं करने वाला हूँ। एंड अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो मैं जब शेडिंग करूँगा या कलर करूँगा तो उस टाइम मैं अपनी जो गलती है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो फिलहाल जो है मैं अभी फेस को ड्रॉ करूँगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे फेस को ड्रॉ करने का ट्राई किया है एंड लगभग जो है हमारी फेस जो है वो रेफरेंस फ़ोटो से मैच भी हो रहा है। एंड थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक है भी तो मैं आगे जब शेडिंग करूँगा तो इसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल मैं बाकी के पार्ट्स जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस, हमने जो क्लोथ्स थे वो भी ड्रॉ कर लिया है एंड अब जो है हमें जवान लिखा हुआ जो है पोस्टर पे तो वो हमें ड्रॉ करना है। एंड इसे ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड अगर आप ग्रिड मेथड पे ड्रॉ करते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि मेरे को पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि मैं किस पॉइंट पे मेरे को मार्क करना है। यहाँ पे जैसे मैंने जो है 4 पॉइंट मार्क करा है, तो ये मैंने रेफरेंस फ़ोटो को देख कर करा है एंड ये सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा। तो इसी तरह जो है आप पूरे जो वर्ड है जो जवान है तो वो इसी तरह जो है ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जे को कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बाद सेम टेक्निक से हम ए को भी ड्रॉ करेंगे। एंड गाइज, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना यार। और इसके बाद जो है लास्ट हमारी फिनिशिंग बचेगी जो हम अप्लाई करने वाले हैं सेम मैकेनिकल पेंसिल से। तो इसमें बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि जब हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद वो एक तरह से रफ आउटलाइन हो गई हमारी, तो इसके बाद हम लोग मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से जो हमारी आउटलाइन है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एंड अगर कहीं हमें मिस्टेक दिखेगा तो उसको ठीक करेंगे एंड उसे थोड़ा डार्क करेंगे जो कि विजिबल हो जाएगी। इसके पहले जो आउटलाइन थी वो एक रफ आउटलाइन थी। तो गाइज, हम लोग जो आप हम लोग यूज़ करेंगे मैकेनिकल पेंसिल तो उससे हमारी जो आउटलाइन है थोड़ी विजिबल हो जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आपने देखा कितनी इजी तरीके से हमने जवान लिखा हुआ ड्रॉ किया एंड आई होप कि आपको भी ये बहुत ही सिंपल लगा होगा एंड आप आसानी से इसे ड्रॉ भी कर सकते हो।
तो फिलहाल जो है हम इसे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम थोड़ा रफ आउटलाइन को डार्कर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो आउटलाइन है हमारी उसे विजिबल कर रहा हूँ मैं, एंड इसके लिए मैं सेम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि 0.5 mm की है। तो यहाँ पर हमारी जो आउटलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत जो फाइनल टचेज होती है तो वो हम लोग फेस पर कर लेंगे, एंड इसके बाद हमारी जो आउटलाइन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप हम लोग इस पे कलर करेंगे या ग्रेफाइट करेंगे तो ये आप हमें बताओगे कि मेरे को इसमें क्या करना चाहिए, कलर में आगे प्रोसीड करना चाहिए या ग्रेफाइट में आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं इसी तरह के ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहता हूँ। तो गाइज़ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।